भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही, और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही, और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं।